मैं डॉक्टर यशकांत भारद्वाज पतंजलि योगग्राम से, और आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। मधुमेह क्या है? मधुमेह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसमें लगातार शुगर का बढ़ा रहना, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और मधुमेह जब हम एक सिंपल टेस्ट कराते हैं तो जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़कर आती है, यानी कुछ दिनों तक लगातार जब हम चेकअप कराते हैं और ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो हम मानते हैं कि हम मधुमेह हो चुका है और मधुमेह के रोगी बन चुके हैं। तो योगग्राम में हम लोग मधुमेह का जो इलाज देते हैं, और जैसा कि हम मानते हैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी ने उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी है मधुमेह ला इलाज नहीं, तो मधुमेह में हम लोग यहाँ पर हजारों स्वास्थ्य साधकों की डायबिटीज़, जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, इसके कई एक प्रकार होते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम लोग जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट होने के कारण से, या बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज है तो उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, या जो हमारा इंसुलिन जैसे हार्मोन जिसे हम बोलते हैं उसका सेग्रेशन नहीं हो पाता है, तो जितना होना चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में उस हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें कि सेंसिटिविटी कम हो जाती है, हार्मोन का सेक्रीशन तो होता है बॉडी के लिए, जितनी पर्याप्त मात्रा में हमें हार्मोन की इंसुलिन की आवश्यकता होती है लगभग 30 ml होता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। तो इसका एक प्रमुख कारण ओबेसिटी भी होता है, मोटापा। जैसे कि पहले व्यक्ति होता है 50 किलो का, फिर वो बढ़ करके हो जाता है 80 किलो का, तो जो हमारे बॉडी में इंसुलिन का सेक्रीशन लगभग 30 ml होता है, तो उस 30 ml इंसुलिन का उपयोग हमारे शरीर में आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रांस फैट, एब्डोमिनल फैट, विसरल फैट, इसमें एब्जॉर्ब हो जाने के कारण से उसका अच्छी तरह से उपयोग ना हो पाना, या उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। योगग्राम में डायबिटीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर जो प्रयोग कराते हैं उसमें सबसे प्रमुख है, जैसे भोजन से दोनों समय पहले हम लोग करेला खीरा टमाटर का जूस देते हैं, और भोजन के साथ में अथवा भोजन के बाद मेथी और सरसों के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सुबह शाम योगग्राम में हम लोग सुबह शाम जामुन सिरका, गिलोय रस, इनका भी प्रयोग कराते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में, जैसा कि योगग्राम में हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, और उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग लिवर एंड पैनक्रियाज का गर्म ठंडा सेक, यानी हम उस पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि जो सेक्रीशन अगर कम हो जाता है, जैसा कि पहले हमें डायबिटीज़ नहीं होता है, फिर लेटर एज में धीरे धीरे हमें डायबिटीज़ होता है, तो जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मानते हैं, तो उसको हम लोग अगर हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस करते हैं लिवर और पैनक्रियाज पर, तो उसकी क्षमता बढ़ती है, तो जो सेक्रीशन कम हो जाता है तो वो धीरे से पुनः से बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर हम जो दिनचर्या योगग्राम में सिखाते हैं और उसका पालन आप घर में करते हैं, तो हजारों लोगों की यहाँ पर इंसुलिन बंद हो चुकी है और संपूर्ण रूप से उनकी डायबिटीज़ क्योर भी हुई है। उसी के ऊपर यहाँ पुस्तक लिखी भी है डॉक्टर नीरज जी ने, लगातार अनुसंधान किए उसके बाद, कि मधुमेह लाइलाज नहीं है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ को हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।